नमस्कार, मेरा नाम बुलू प्रधान है और मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी ग्राफिक्स कार्ड का वो प्रॉफिट कैसे चेक करना है, एक ग्राफिक्स कार्ड कितना प्रॉफिट देता है उसको कैसे चेक करना है, और कौन सा ग्राफिक्स कार्ड माइनिंग के लिए बेस्ट है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले आप क्रोम में जाके आप पहले आपको नाइसेस खोल लीजिए। आप नाइसेस पहले यूज़ कीजिए तो नाइसेस ये बेस्ट है एक बिगिनर के लिए। तो ये अपना ये एड्रेस पहले आप डाल दीजिए वो फाइंड माय माइनर में, और फिर ये पेज खुल जाएगा। फिर नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका जो भी हार्डवेयर है अगर ये लिस्ट में से है तो वो सब, जैसे कि मैंने अपना है GTX 1060 इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और मैंने आपको कहा था कि पावर कॉस्ट कम से कम 0 होना चाहिए, तो आप 0 रखेंगे तो ही आपका बराबर प्रॉफिट हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे 0 ही लग देता हूँ, और प्राइस मैंने INR पे रखा है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा अगर चूज़ करना है तो, और कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये अप्रोक्स, ये बराबर तो नहीं दिखा गया क्योंकि ये बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके कॉइन की हैशिंग के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि ये यहाँ पे बता रहा है कि ये एक दिन का 86 INR दे रहा है और एक हफ्ते का 688 रुपये और एक महीने का 3200 रुपये की आसपास दे रहा है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो तो मैंने 0 ही रखा है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट 3268 रुपये हो रहा है। और यहाँ पे ऐसे ही आ गया कि योर हार्डवेयर इज प्रॉफिटेबिलिटी 3268 रुपये पर मंथ के हिसाब से विथ नाइसेस में, अगर नाइसेस के साथ अगर माइनिंग करते हो तो उतना आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी आप ये ग्राफ देख सकते हो कि कौन कौन सा कॉइनिंग माइनिंग कर रहा है, जैसे कि इसमें इतना सारा कॉइन माइनिंग बेस्ट है। जैसे इसमें देखिए इक्वलस सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये ZKS बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं लोग, इक्वलस में ये बहुत बेस्ट है। ये X11 गोस्ट है, ये डागर असीमोटो यानी कि इथेरियम ये बहुत ही कम है, और ये भी और बहुत सारे एल्गोरिथम है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम में ये कितना मेगाहर्ट्ज दे रहा है, जैसे कि ये इथेरियम में 20 मेगाहर्ट्ज दे रहा है, और इक्वलस जो है वो 281 मेगाहर्ट्ज। तो आपको इतना घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो जितना भी कार्ड है उसमें बस दो कोई नहीं माइन करो तो बेस्ट रहता है। AMD अगर आप कार्ड ले रहे हो तो उसमें इथेरियम माइनिंग होगा, अगर NVIDIA कार्ड ले रहे हो तो उसमें सिर्फ ZKS का माइनिंग होगा। तो आप और दूसरे कोई कॉइन माइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपका जो कंपनी है यानी कि NVIDIA का है तो आप ZKS माइनिंग कीजिए। यानी कि अगर नाइसेस में आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप नाइसेस यूज़ कीजिए, और इसमें इक्वलस ही यूज़ कीजिए अगर NVIDIA कार्ड है, अगर AMD कार्ड है तो AMD यूज़ कीजिए, ये डागर असीमोटो ये यानी कि इथेरियम इसको चूज़ कीजिए, बेंचमार्क इसको सिलेक्ट करके माइन कीजिए। तो आपको इसमें बाकी सब में तो शायद कभी कभी दिखा देता है कि ये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसका ब्लॉक ख़त्म हो जाता है तो आप सिर्फ ये दो ही यूज़ कीजिए, NVIDIA में इक्वलस और ये डागर असीमोटो यानी कि इथेरियम AMD ग्राफिक्स कार्ड में। तो इसमें से आप कोई भी और जो भी ऑर्डर वो सब चेक कर सकते हैं। इसमें नीचे जैसे कि सब एंटी बना रहे, बिटमैन का एंटी बना रहे सब, जैसे अब एक नया अपना एंटी बना रहा है L3+ जैसे, ये इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये सब तो माइनर है, A6 माइनर है सब, ये सब तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये ने एक दिन का 2600 रुपये दे रहा है, और एक महीने में 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा है ये, तो ये सब बहुत कॉस्ट होता है इसका। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक कॉस्ट डाल दें करीब करीब अपना इधर 8 रुपये के हिसाब से, तो ये कितना लाइट बिल खाता है पता चल जाएगा। ये 4000 रुपये का हर महीना 4000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, और फिर 94,000 की प्रॉफिट ये आउटपुट में दे रहा है। तो ये तो बहुत ही महंगा है A6 माइनर, ये सब इंडिया से भी नहीं मिलेगा, सब चाइना से मंगाना पड़ेगा। तो इसमें से आप कोई भी जो भी कार्ड आपको लेना है तो इसमें से ऐसे आप देख सकते हैं। अगर CPU अगर करना है तो जैसे कि इसमें AMD राइजन सबसे बेस्ट है अगर CPU की बात करें, लेकिन मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप CPU लो, GPU बेस्ट है। CPU में तो फिर आपको मदरबोर्ड भी फिर महंगा लग जाएगा। ये 2100 रुपये की दे रहा है एक महीने का, सॉरी अगर ये कार्ड देता है
अगर जीरो रखते हैं तो हाँ सॉरी, यू आर करंटली मेंटेन मोड सम पार्ट्स सेट में नॉट अन अवेलेबल, यू आर बस रिप्लेस मारते हैं। हाँ अब आगे ये 27 रुपये के आसपास ये प्रॉफिट दे रहा है अगर जीरो कॉस्ट है तो, लेकिन ये भी देखने जाए तो ये जीपीयू के बराबर ही है वैसे। फिर भी मैं करूँगा कि आप सीपीयू मत लीजिए, जीपीयू लीजिए, क्योंकि सीपीयू में अगर माइनिंग करते तो मदरबोर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो मदरबोर्ड फिर आपको हैवी लेना पड़ेगा, नहीं तो मदरबोर्ड बिगड़ जाएगा। तो आप बेस्ट है कि जीपीयू में रिकमेंड करूँगा, जीपीयू आप लीजिए, ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब मैं बेस्ट जो इसमें से होगा उसका मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा इसमें, अगर पहली बार भी माइनिंग कर रहे हैं तो इसमें से ही कोई एक कार्ड चूज़ कीजिए तो ही आपके लिए बेस्ट है। सीपीयू अगर आपको आपके पास है तो सही है, लेकिन सीपीयू तो मैं नहीं कहूँगा, फिर भी मैंने लिस्ट में डाल दिया हूँ। AMD सीपीयू राइजन 7 का ही है, ये भी 2700-2800 रुपये अभी दिखे आपने। और इंटेल सीपीयू i7 सेवन जनरेशन का, ये भी एक प्रकार का है, अगर इसको भी मैं दिखा दूँ, ये कुछ इंटेल सेवन सेवन जनरेशन का, ये कुछ 2000-2100 रुपये के आसपास, देखिए 1600 रुपये। अब 1600 रुपये में एक महीने का, अब 24 घंटा पूरा माइनिंग करेंगे एक महीना और बाद में आपको 1600 रुपये मिलेगा, तो ये कुछ आपको आपका तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चलाएगा, तो 1600 रुपये कुछ ये तो बहुत ही कम है। तो फिर भी मैंने ये डाल दिया हूँ, अब ये दो ही सीपीयू में देखना तो ये सिर्फ दो ही आता है और कोई नहीं आता है। बाद में देखिए अगर कम से कम जो होता है AMD वो R9 ATX, ये तो फिर भी लो वर्जन का है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, AMD R9 380X। फिर और ये भी बहुत, ये 5-6 हज़ार के आसपास ये प्रॉफिट दे रहा है एक महीने का, R9 4E। और ये सबसे जो बेस्ट है 488 GB, ये है इथेरियम माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट है आज के डेट में। लेकिन फिर भी इसका रिकॉर्ड तोड़ के एक नया, अभी हाल ही अभी एक लॉन्च हुआ है AMD RX Vega 64 का, ये जो कि 2048 बिट का है और 8 GB का है, और ये 400 वाट का है, बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। लेकिन ये इसका प्राइस करीब करीब आज के डेट में 55 हज़ार के आसपास है, और ये ऑनलाइन भी फिर भी अभी इतना अवेलेबल नहीं है, सिर्फ दो तीन वेबसाइट जैसे कि अपना AMD कंप्यूटर्स और प्राइम ABGB में ही अवेलेबल है, और वो अमेजन वगैरह में अभी भी अवेलेबल नहीं है ये का। तो ये तो काफ़ी कॉस्ट है, लेकिन आपको RX 480 ये मार्केट में करीब करीब 25 से 30 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, RX 480 8 GB, अगर आपको इथेरियम माइनिंग करना है, यहाँ पे लिख रहे मैंने फॉर इथेरियम। अगर AMD का कार्ड, आप अगर पूरा AMD का कार्ड कोई भी ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका इथेरियम में ही बेस्ट प्रॉफिट देगा। अगर आपको पहले तो आप एक चूज़ कर लीजिए कि आपको AMD लेना है या फिर NVIDIA लेना है। अगर आपको इथेरियम माइनिंग करना है तो AMD लीजिए, और कोई बीच में NVIDIA को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोई एक कंपनी कार्ड लीजिए, जेड कैश के लिए NVIDIA और AMD इथेरियम माइनिंग के लिए, तो कोई भी एक कंपनी का चूज़ कीजिए, और वही कार्ड ही जो आप नेक्स्ट टाइम भी जो कार्ड खरीदते हैं वो वही कंपनी की खरीदे। अगर आप AMD का ले रहे हैं तो AMD लीजिए, और NVIDIA का ले रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम भी NVIDIA का ही लीजिए। तो ये AMD में जो अगर बेस्ट है तो वो 480 470, ये दो ही बेस्ट है, और ये सब भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग आता है इसमें भी, 580 570 4G 4G में, और 580 8G में भी आता है, और ये तो अभी अभी रिलीज हुआ है। और NVIDIA का GPU अगर बात करूँ तो ये कम से कम ये 970 है, ये भी कुछ 3-3500 के आसपास ये भी प्रॉफिट दे रहा है। और वैसे सीरीज़ पुराना है, लेकिन मैं कहूँगा कोई नया सीरीज लीजिए, जैसे कि GTX 1060 कम से कम इसमें से लीजिए, ये सब पुराना, ये सब सीरीज़ क्या पुराना हो गया, ये सब बहुत कम बिट का है, ये सब भी आप लीजिए। 1060 लीजिए, 1070 लीजिए, 1080 और 1080 Ti, ये तो सबसे बड़ा ग्राफिक्स कार्ड ये करीब करीब, अगर 1080 की मैं अगर बात करूँ तो ये सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है 1080 Ti। अगर हम चेक करते हैं 1080 Ti, तो ये कुछ 6-7 हज़ार के आसपास ये प्रॉफिट दे रहा है, 7200 रुपये, तो ये और एक दिन का 196 रुपीज़ दे रहा है ये, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन फिर भी इसका मार्केट वैल्यू देखने जाओ तो करीब करीब 45 से 50 हज़ार के आसपास इसका भी प्राइस आ जाता है, और ऑनलाइन प्राइस अगर देखने जाए तो ये 70 हज़ार 80 हज़ार के भी आसपास अमेजोन में दिखाता है। तो इससे बेस्ट बेस्ट की 1080 भी ले सकते हो, या फिर 1070 भी बेस्ट है। अगर हम ये दोनों के बीच में अगर देखें तो ये
ये सिर्फ 500-600 की डिफरेंस आता है 1080 और 1070 के बीच में, और ये थोड़ा सा महंगा है 1080, और इससे कुछ 10-15 हज़ार ये कम है 1070। अगर आपको लेना है तो 1070 लीजिए, नहीं तो सीधा 1080 Ti लीजिए। 1080 लेने से बेटर है, मैं कहूँगा 1070 लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्राइस कम में भी आपको मिल जाएगा और 500-600 रुपये कम अर्निंग होगा, लेकिन ये 1080 से ये काफ़ी अच्छा 1070। और मैंने तो अभी 1060 है अपने पास, और मैं आगे प्लान कर रहा हूँ करीब करीब 1080 Ti लेने की। तो आप अगर कोई भी कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि ये लिस्ट के अंदर से ही लीजिए कोई भी, और बाकी भी अगर लोगे तो फिर उसमें से क्या है, बहुत कम अर्निंग होगा, उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब शुरुआत में ही आपको कम अर्निंग मिलेगा तो फिर आप इतना नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये तो दोस्तों आपने देख लिया कि CPU माइनिंग, GPU माइनिंग और ASICS माइनिंग। तो मैं और एक माइनिंग है जो कि हार्ड ड्राइव माइनिंग, यानी कि आप हार्ड डिस्क से भी कॉइन बना सकते हो। एक कॉइन का नाम है ब्रूस्ट कॉइन, BURST ब्रूस्ट, ब्रूस्ट कॉइनिंग करके एक कॉइन है जिसका प्राइस करीब करीब 1000 ब्रूस्ट कॉइन का करीब करीब 8 से लेकर $10 तक अप डाउन करता है। तो उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर बीच में उसके नेटवर्क के ऊपर हैकिंग हो गया था, हैक कर दिए थे उसको, कोशिश करता हूँ अगर वो अगर सक्सेस रहेगा तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कैसे हार्ड डिस्क में भी आपको कैसे माइनिंग करना है, उसमें से भी फिर आपको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ब्रूस्ट कॉइन माइनिंग कैसे करना है। तो उसका तो फिलहाल अभी रिसर्च चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो अपना आने वाला वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ZKS माइनिंग। देखिए जैसे अपना ZKS माइनिंग ये हो रहा है अपना GTX 1060 में, ये अभी अपना थोड़ा वीडियो चल रहा है रिकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा कम हैशिंग पावर आ रहा है, 230 SOL आ रहा है, लेकिन ये 277-281 SOL तक भी आता है ZKS में। तो ये मैं बता रहा हूँ ये ZKS माइनिंग हो रहा है, और ये मैं जो ZKS माइनिंग कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ मैं नैनो पूल से, नैनो पूल का वेबसाइट दे कर रहा हूँ। ये है नैनो पूल, ये तो ये नैनो पूल से आपको कैसे ZKS माइनिंग करना है, इसमें ZKS ही आपको पूरा आउटपुट मिलेगा। ZKS इसमें कैसे आपको माइनिंग करना है, इसमें और भी बहुत सारे, अगर आपका AMD का कार्ड है तो इसमें इथेरियम भी है, दिखा देता हूँ मैं, और अगर कोई है इसमें पूल्स जैसे कि इथेरियम क्लासिक, साइकॉइन, ZKS, मोनेरो पास्कल, इसमें और सारे बहुत सारी कॉइन्स है जिसको आप माइन कर सकते हो। लेकिन आपको और इतना नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ इथेरियम और ZKS, आपके पास जो भी कार्ड है AMD का है तो उसमें इथेरियम माइनिंग कीजिए, और NVIDIA कार्ड है तो उसमें आप ZKS माइनिंग कीजिए। तो इसमें कैसे माइन करना है, इसमें कैसे सॉफ्टवेयर कैसे सेटिंग करना है तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप वॉलेट बना के रखिए, आपका जो भी वॉलेट है ZKS या फिर इथेरियम का जो भी आपका वॉलेट है वॉलेट बना के रखिए। आने वाले हफ्ते में मैं आपको बताऊंगा कि ZKS कैसे माइनिंग करना है और इथेरियम कैसे माइनिंग करना है। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।